तो हेलो गाइस, फिर सुबह बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं शेयरलिंग लिमिटेड के बारे में। 1 रुपए में शेयर का प्राइस मिल रहा है, क्या शेयर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल लगता है। 80% की कंपनी यहाँ पर अच्छा रिटर्न दिया है, कंपनी 6 रुपये करके, सॉरी अच्छा रिटर्न नहीं गिरावट दिया है, 6 रुपये करके लिस्टिंग हुआ था 2017 में और ये शेयर 107 तक हाई लगाया था, अभी डाउनफॉल में मिल रहा है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो दोस्तों अवॉइड करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर वाइज डाटा रेवेन्यू में ठीक ठाक है, नेटवर्थ में ठीक ठाक है, प्रॉफिट में भी ठीक ठाक नजर आ रहा है, जो कि अच्छा बात है। हम लोग थोड़ा बहुत पैसा तो लगा सकते हैं स्टॉक में, क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिट कर रहा है, जो कि आगे 2021 में लॉस किया था, 2022 में लॉस किया था, अभी प्रॉफिट कर रहा है। यहाँ पर देखोगे रिटेल इन्वेस्टर 67%, 33% यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर रखे हैं कंपनी का। अगर मैं फुल डिटेल्स यहाँ पर दिखाऊंगा तो देखिए NSE में कंपनी लिस्टिंग है, 61 करोड़ का मार्केट कैप है, पी नेगेटिव है, बुक वैल्यू से नीचे शेयर मिल रहा है, बुक वैल्यू से ऊपर शेयर मिल रहा है, हाईलो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है, ROCE भी पॉजिटिव, फेस वैल्यू 1 का है, कर्जा 142 करोड़ का कर्जा है, रिजर्व नहीं रखा है, एसेट थोड़ा रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, फ्री कैश रखा है, अर्निंग पर शेयर नेगेटिव, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा है, और हाई 37 लगाया था, लो 0.85 पैसा लगाया था, और ओवरऑल 6 महीने में कंपनी अच्छा रिटर्न दिया है, इंडस्ट्री भी ठीक है, डेट टू कैपिटल नेगेटिव है, प्रॉफिट में कंपनी नहीं चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेल ग्रोथ नेगेटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद ये शेयर में भी आप 500 रुपये लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ोगे तो एक अच्छा रिटर्न दे पाएगा, क्योंकि कंपनी अभी पॉजिटिव में आ रहा है। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।